हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सेकंड क्लास की हिंदी की किताब का छठा चैप्टर, बहुत हुआ। तो ये एक कविता है, देखते हैं इस कविता में क्या है। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ, जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेले, जो पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। तो ये कविता थी छोटी सी बच्चों। तो इसमें क्या है, बहुत अधिक बारिश का मौसम है, तो बारिश बहुत अधिक हो रही है, तो घर जगह जगह से टपक रहा है, घर में पानी भर गया है। तो क्या होता है, बहुत अधिक पानी भर जाता है तो सब जगह पानी ही पानी हो जाता है, सब जगह जो चीज़ें होती हैं वो पानी में तैरने लगती हैं। तो जो बादल थे उससे प्रार्थना कर रहे हैं लोग कि बादल भैया बहुत हो गया, सब जगह कीचड़ कीचड़ है, पानी पानी हो गया, सभी को क्या है अपनी नानी याद आ रही है, और जो क्या हो रहा है सारा घर है जो चू रहा है, मतलब सारे घर से पानी टपक रहा है ऊपर से, तो हम कहाँ जाएँ। जो बच्चे हैं परेशान हैं वो कह रहे हैं हम ऐसे में कहाँ जाएँ, कहाँ पर खेलें, घर में फंस गए हैं क्योंकि सब जगह पानी पानी है, बाहर तो जा नहीं सकते खेलने के लिए, तो घर में बैठे बैठे क्या हुआ बोर हो गए हैं। तो जैसे पिंजरे में क्या होता है, सुआ जो होता है, जो सुआ माने तोता जो होता है, जैसे चुपचाप बैठा रहता है, जो वैसे ही हम भी घर में ऐसे ही चुपचाप बैठे हैं, तो वो सूरज से प्रार्थना कर रहे हैं कि सूरज दादा आप धूप निकालिए, धूप खिलाइए, और जो ताल है नदी है सड़कें जो भर गए हैं, जो सब सड़कों पे जो पानी पानी हो गया है वो किसी तरह ख़त्म हो। तो वो कह रहे हैं सब लोग दुआ करो कि पानी बारिश ख़त्म हो जाए और सूरज दादा जो है धूप खिलाएं। तो ये हमारी छोटी सी कविता थी, आप इसको याद कीजिए और हमारे चैनल को असा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।